जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ हुसैन। मैं तमाम दोस्तों को आज के मॉर्निंग सेशन में वेलकम करता हूँ। उम्मीद रखता हूँ सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, आज 7 सितंबर है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सुबह का सेशन चल रहा है और हम कोशिश करेंगे कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन एनालिसिस दें हमेशा की तरह। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपको हम हमेशा बताते हैं हमारा डिस्क्लेमर मौजूद होता है कि हमारी तमाम वीडियो, तमाम एनालिसिस, तमाम ट्यूटोरियल एजुकेशनल होते हैं, लिहाजा इसकी भी जरूरत से प्रॉपर सीख के किया जाए क्योंकि ये अंदाज होते हैं। और साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि अगर आप बिल्कुल नए हैं, प्रॉपर सीख बिल्कुल नए हैं, तो अगर आपने प्रॉपर सीखना है, हमारे जो वीडियो बहुत सारी वीडियो ऐसी बेसिक वीडियो हैं जहाँ से आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं, वहाँ से सीखें, उसके बाद लाइव सेशन में आए। और साथ साथ हमारा नीचे, अगर आप चाहते हैं कि हमारी मज़ीद अच्छी सर्विस से फ़ायदा उठाना है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कुछ लिंक हैं, उससे अपना अकाउंट बनाएं। और जो हमारे VIP की जो सिग्नल के चार्ट होते हैं, सिग्नल स्टडी होती है, उससे भी बेनिफिट उठाएं। इंशाल्लाह आप, पूरी उम्मीद है कि नीचे दिए गए ये जो हमारा लिंक है, उससे जरूर अकाउंट बनाएंगे और मजीद सर्विस से हमारी फ़ायदा उठाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं, डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे मैं सबसे पहले आपको प्रीवियस डे का जो रिजल्ट होता है वो भी थोड़ा सा बता रहा होता हूँ, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो कि हमारे VIP वाले ग्रुप जो है मजीद कितना बेनिफिट उठा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप भी उठा सकते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हमारा जो 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 कल का चार्ट है, जो प्रीवियस डे का चार्ट है, तो आप देख रहे हैं ये मैंने ऊपर से सेल करवाया था और प्रॉपर प्राइस यहाँ से, प्राइस जैसे आप देख रहे हैं कि ऊपर गई और वहाँ से सीधे यहाँ से आपको मैंने कहा था कि ऊपर से आपने सेल करना, तो बेहतरीन आपको यहाँ से सेल मिली अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 28-29 से लेके जो ओवरऑल जो है 15 तक प्राइस आई है, तकरीबन 150 के हिसाब पे, 150 के पास पास पिप जो है वो आपने एंजॉय किया। तो ये हमारा गोल्ड का रिजल्ट था आपके सामने। डेली हम आपको दिखाते हैं, रिजल्ट दिखाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप डेली यहाँ से जो है देखते भी हैं और प्रॉफिट भी उठाते हैं। इसके अलावा यूरो को अगर हम देखें, कल का जो जो हमने दिया था जो, तो ये हमारा सिग्नल था आपके सामने था, वीडियो तो हमने बनाई थी, लेकिन सिग्नल के साथ साथ हम आपको डायरेक्शन भी साथ दिया करते हैं और बताते हैं कि मजीद आप मजीद कितना अच्छा कर सकते हैं। तो ये भी देखिए, ऊपर से मार्केट ऊपर गई और यहाँ से आपको एक अच्छा यहाँ पे राइड मिली और आपको उसी डायरेक्शन में रहते हुए ट्रेड एक अच्छी मिली। और इसके अलावा अगर हम बात करें पाउंड की, तो पाउंड भी देखें, यही हमारा जो सिग्नल था, ये आप देख रहे हैं कि ऊपर से मार्केट नीचे आप देख रहे हैं कहाँ तक एक ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे मूव हुई और आपने यहाँ से उसी डायरेक्शन में यहाँ से बेनिफिट उठाया। अभी आ जाते हैं जो हमारा आयल है, आयल को मैंने यहाँ पे बताया था, ये हमारा न्यूट्रल एरिया था, ये हमारा ऐसा एरिया था जहाँ मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी थी। तो अगर नीचे जाती तो ये हमारी डायरेक्शन थी, ये ऊपर गई तो ये हमारी डायरेक्शन थी। तो आपने देखा डबल टॉप का बेहतरीन आपको यहाँ जैसे पैटर्न ये बना, उसके बाद आपको बाय का बेहतरीन सेटअप मिला। इसके अलावा जो हमारा जो US 30 था, US 30 की भी देखिए, ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्शन दी थी और ये जो हमारा VIP ग्रुप था उसमें, तो आप देख रहे हैं यहाँ से लेके ज़बरदस्त किस्म की बहुत ज़बरदस्त किस्म की मूव हुई और आपने देखा कि जो है जो एक ही डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा अच्छी आपको वो देखने को मिली। अभी हमारे पास जी नेक्स्ट US 100 है, US 100 का रिजल्ट अगर देखें तो ये भी देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने आपको ऊपर से सेल करवाया था, ये भी ज़बरदस्त किस्म का सेल हुआ और यहाँ से भी आपने अच्छा प्रॉफिट लिया। अभी BTC की तरफ आ जाते हैं, BTC का मैंने आपको दोनों एरिया दिए थे, ये जो नीचे वाला ब्रेकआउट कर रही है तो ऊपर वाला, लेकिन ये भी ब्रेकआउट सही तरह हुआ नहीं, लेकिन थोड़ी सी आई नीचे आई, लेकिन वो पुल बैक नहीं किया इसने, सही तरीके रिटेस्टिंग किया। इसके अलावा हमारे पास ऑस्ट्रेलिया था, ये भी मैंने ऊपर से सेल करवाया था, ये हमारे पास सेल का सेटअप था नीचे का और ज़बरदस्त किस्म की आपने देखा वैसे ही प्राइस ऊपर जाने के बाद अच्छी तरीके से जो है सेल हुई। इसके अलावा जो हमारे पास न्यूजीलैंड का सेटअप था, ये भी मैंने ऊपर से सेल करवाया था अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी ज़बरदस्त किस्म का सेल हुआ और आपने यहाँ से अच्छा प्रॉफिट लिया। इसके अलावा US DJP हुआ थे, ये मैंने बाय कराया था, यहाँ से आपने देखा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ से बाय हुआ और आपको तो एक अच्छी ट्रेड करने को मिली। इसके अलावा USD CAD था, USD CAD जो जो पुल बैक नीचे से करवाया था, लेकिन पूरी मार्केट नीचे अभी नहीं आई, मार्केट अभी उधर ही है, लिहाजा इसकी ट्रेड बनी नहीं थी। इसके अलावा डेक्सी को देखा जाए तो डेक्सी का भी हमने
आपको ऊपर का ही सेटअप दिए थे, ये भी बाएं का ही सेटअप है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो तमाम सेटअप आपने देखा कि स्वाय जितने हमने आपको नर्सेस दिए और सेटअप दिए, और आप एक पेयर के अलावा बाकी तमाम पेयर जो है उन्होंने मूव की और वैसे ही की, और अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो 100% रिजल्ट रहा। एक पेयर ने क्योंकि मूव ही नहीं की, तो जब मूव नहीं की तो जाहिर मूव करता तो आपको उसका भी रिजल्ट मिलता। तो ये 100% जितने हमारे नर्सेस थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और उसके अलावा जो नीचे थे 10 और तकरीबन 11, जो 12 थे जिसमें से जो 10 है जो उन्होंने मूव दिया और उन्होंने पॉजिटिव मूव दिया 100%। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो होप्स होगा आपने इसे बेनिफिट उठाया होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ये वीडियो के साथ साथ आप हमारे VIP ग्रुप को ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं रखी है, तो उसको अभी ज्वाइन करें, डिपॉजिट करें और टीम को बताएं ताकि आपको उसमें शामिल कर लें। तो चले फ्रेंड, आज के सेटअप को भी देखते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये भी आप इससे भी अच्छा बेनिफिट। जी फ्रेंड, तो आज हम गोल्ड को देखते हैं कि आज इसकी मूवमेंट किस तरह बन सकती है, क्या हो सकती है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा डिफेंसिव एरिया ये है, 1926 का एरिया, 1926-27 का एरिया है, और लो पॉइंट है हमारा तकरीबन 1914-15 का एरिया है। तो इसके मिड में प्राइस है, तो ये एक अच्छा और बड़ा मजबूत एरिया है। जो अभी ये नीचे वाला है 1914-15 वाला एरिया है, तो एक सूरत है कि फ्रेंड यहाँ से प्राइस मूव करती ऊपर जाके दोबारा डबल बॉटम बनाती है। अगर डबल बॉटम को इसने सस्टेन कर लिया तो प्राइस यहाँ से बाहर निकलती हुई दोबारा ऊपर जा सकती है, और ये डिफेंसिव एरिया को अगर तोड़ती है तो फिर बैंक आपको प्राइस इस तरह मिल सकती है। एक सूरत हाल ये हो सकती है। दूसरे थोड़े से ऊपर जाके अगर नीचे इस एरिया को क्रॉस करती है 14-15 के एरिया को, तो फिर नेक्स्ट एरिया हमारे पास मौजूद है जो 1904 का एरिया है। तो ओवरऑल अगर प्राइस इस तरह जाती है जैसे मैंने आपको बताया कि, तो देन फिर ये ब्रेकआउट के इस तरह आ सकती है, और अगर ऐसा नहीं है प्राइस ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जो है सस्टेन कर जाती है और यहाँ से बाहर चली जाती है इस एरिया से, ये हमारी जो चैनल है, तो देन फिर प्राइस ऊपर जा सकती है। तो ये हमारे पास एरिया है। अगर आपने सेल भी करना है तो थोड़ा सा प्राइस जैसे ऊपर जाए तो ऊपर से फिर आप यहाँ से सेल कीजिएगा, या यहाँ से रिटेस्ट करें या यहाँ से करें। तो इसके नीचे जब तक ब्रेकआउट करके पुल बैक नहीं करती तब तक, या फिर इसके नीचे आपने सेल नहीं करना, जब पुल बैक करके रिटेस्ट कर तो देन फिर आपने सेल करना, फिर यहाँ तक आपको प्राइस मिल सकती है। तो जब तक इस एरिया से ऊपर प्राइस नहीं जाती, 1926-27 से प्राइस अभी नीचे है, और आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं यहाँ से पुल बैक से, और ये एरिया पे सस्टेन करती है तो देन आपने फिर वेट करना है। अगर ब्रेकआउट कर जाती है तो फिर देन नीचे से यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। जब तक पुल बैक नहीं होता तब तक आपने सेल नहीं करना, क्योंकि प्राइस जब नीचे भी आती है तो उसी वक्त बाज अवस्था ऊपर चली जाती है। तो आपने दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है, पुल बैक यहाँ से मिले देन भी आप कर सकते हैं सेल, और पुल बैक यहाँ से 14-15 से नीचे मिले तो देन भी कर सकते हैं। लेकिन ये एरिया जहन में रखना है, ये एक मजबूत एरिया है जो 15-16 वाला एरिया बता रहा हूं, तो प्राइस ऊपर जा सकती है, और अगर ऐसे जाती है तो देन फिर दोबारा डबल, जैसे मैंने कहा डबल बॉटम मिलता है, अगर डबल बॉटम को क्रॉस करके ऊपर चलेगी तो फिर देन हम कहेंगे कि अभी प्राइस ऊपर जा सकती है। ये तो था हमारा गोल्ड जो डिटेल के साथ मैंने डिस्कस कर दिया। अभी आ जाते हैं जी, हमारा यूरो है। यूरो का एरिया आप देख रहे हैं प्रॉपर, यहां से हमारे स्विंग चल रहे हैं और यहाँ पे एक साइड में एरिया है, डबल बॉटम बना हुआ है। तो ये हमारे पास डिफेंसिव एरिया है, 1.0750 का एरिया है। फ्रेंड अगर इस एरिया को यहाँ से साइड में रखते हुए यहाँ से तोड़ती है तो देन फिर हम कहेंगे कि बाय का हम सेटअप देखेंगे और बाय फिर इस तरह होगी। लेकिन अगर इस एरिया को तोड़ती है, जैसे आप देख रहे हैं कि प्राइस अभी नीचे आ रही है, तो फिर देन आप ऊपर से अपनी सेल कर सकते हैं। इसे इस एरिया से 750 से नीचे नीचे जो भी आपको जो आपका पैटर्न यानी कि बनता है ऊपर से एक अच्छा सेटअप बनता है कैंडल का, तो आप इसको सेल कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं जी पाउंड वर्सेस यूएसडी। पाउंड वर्सेस यूएसडी भी आप देख रहे हैं काफी ऊपर से मुसलसल नीचे आ रहा है और स्विंग बनाता जा रहा है। तो ये हमारे पास लो पॉइंट है, एक सूरत है कि फ्रेंड यहाँ से प्राइस ऊपर जाए, इसको रिटेस्ट करे और दोबारा जाके डबल बॉटम बनाए, और डबल बॉटम तक आप ऊपर से यहाँ से सेल कर सकते हैं। जब यहाँ से सस्टेन कर जाती है प्राइस, डबल बॉटम पे जो यहाँ पे रुक जाती है, तो देन फिर आपने वेट करना है
जैसे प्राइस इस सीरीज से बाहर निकलेगी फिर हम वेट करेंगे कि कब जाके कन्या स्विंग बनाती है और फिर हम बाय को देखेंगे। अभी आ जाते हैं जी आयल, यूएस आयल को अगर आप देखते हैं फ्रेंड, आयल आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक अच्छा एरिया है, 86.12 का एरिया, एक अहम एरिया है, डबल टॉप आप देख रहे हैं आपको मिल रहा है। तो अगर प्राइस इस एरिया को तोड़ती है, डबल टॉप जो जो ब्रेकआउट वाला एरिया हमारा 86.12, तो फिर हमें वेट करना है पुल बैक का। जैसे पुल बैक होगा तो यहाँ से फिर हम अच्छा सेटअप देखेंगे और इस तरह हमारी जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी और यहाँ से हम सेल कर सकते हैं क्योंकि ये डबल टॉप लगा चुकी है। प्राइस अगर दोबारा नीचे आती है तो फिर आपने वेट करना है जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करती, और अगर दोबारा बाय का सेटअप यहाँ से दोबारा बनता है और प्राइस पूरा नीचे नहीं आती, यहीं से बन जाता है, तो फिर यहाँ से आप बाय भी ले सकते हैं, आप बाय भी कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं जनाब, वो था यूएस आयल यानी क्रूड आयल और US 30 है। US 30 को देखें तो ओवरऑल हमारे पास ये हमारे पास जो फैसिव एरिया फ्रेंड 34,636 का एरिया है, एक अहम एरिया है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ से मुसलसल प्राइस से नीचे ड्रॉप हुई है, इसने पुल बैक नहीं किया तो हमें पुल बैक का वेट करना है। जैसे पुल बैक करेगी और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक सेटअप है, यहाँ तक कर सकती है और यहाँ से अभी दोबारा आपको नीचे का सेटअप मिले तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अपनी ट्रेड को सेल कर सकते हैं, और जितना ऊपर से मिले उतना आपको लिए अच्छा है जब तक इस शेयर की 34,643 शेयर को क्रॉस नहीं करती। अभी आ जाते हैं फ्रेंड नेक्स्ट US 100। US 100 आपको पता है जबरदस्त किस्म का एक पेयर है, इंडेक्स से है, और ये हमारे पास 15,433 का एरिया है जो इसको ब्रेक ऑलरेडी कर चुकी है प्राइस, और मार्केट अभी आप देख रहे हैं कि जैसे पुल बैक करती है सीरी को अगर टच करती है तो बहुत अच्छा है, यहाँ से फिर हम अपनी ट्रेड को ले सकते हैं, अच्छा सेटअप दे के फिर यहाँ पे सेल आप कर सकते हैं ऊपर से जैसे पुल बैक होता है। अभी आ जाते हैं BTC की तरफ, BTC सेम उसी तरह एक साइड में है, थोड़ा सा पहले जो है वो इसका ब्रेकआउट का एरिया छोटा था, अभी थोड़ा सा बड़ा का एक्सटेंड हो गया है, तो अभी ये नीचे वाला एरिया है जो 25,377 का और ऊपर 26,007 का, तो ये हमारे पास नीचे का एरिया है और ये हमारे पास ऊपर का एरिया, जब तक क्रॉस करके पुल बैक नहीं करती हमें थोड़ा सा अवॉइड करना है। अभी नेक्स्ट है जी ये ऑस्ट्रेलिया वर्सेस USD, आप देख रहे हैं कि ये भी प्रॉपर यहाँ से डबल टॉप बना के प्राइस नीचे ड्रॉप हुई, यहाँ से ब्रेकआउट हुई और लंबा एक एक हमारे पास ये अभी सेटअप बना हुआ है, कह सकते हैं कि राइज वैसा, तो प्राइस ऊपर जाके यहाँ से जैसे ही नीचे ब्रेकआउट होती है तो हम यहाँ से अपनी सेल ले सकते हैं, लिहाजा इस एरिया का वेट करना 0.6405 का एरिया, जब तक इसको क्रॉस करके पुल बैक नहीं करती प्राइस अभी नीचे आ सकती है और दोबारा आपको सेल मिल सकती है। अभी न्यूजीलैंड वर्सेस USD को हम देखें तो न्यूजीलैंड वर्सेस USD फ्रेंड यहाँ पे इसका भी बेहतरीन किस्म का सेटअप था, ब्रेकआउट हुआ और ये हमारे पास राइजिंग वेज बना और प्राइस अभी आप देख रहे हैं जैसे ऊपर जाती है तो आपको इस रेंज के अंदर प्राइस, जब तक इस रेंज के अंदर है 0.5891 का एरिया, इसे नीचे नीचे हम सेल कर सकते हैं अच्छा सेटअप देके। अभी नेक्स्ट है जी USDJPY, USDJPY का देखें तो ये हमारे पास एक प्रीवियस एक अच्छा जो एरिया है जो 147.275, ये हमारे पास एक जो है डिफेंसिव एरिया है, अच्छा हमारे पास सपोर्ट है, डबल टॉप बन चुका है, जब तक इसको क्रॉस करके पुल बैक नहीं करती हम सेल में नहीं बैठेंगे, अभी तक बाय में है, यहाँ से भी ऊपर प्राइस मजीद जा सकती है, लेकिन इस एरिया को हमारा जो है हमने वॉच करना है, इससे नीचे जब तक नहीं आती हमें बाय में बैठना है। USDCAD को देख लें तो USDCAD भी आप देखें मल्टीपल कैंडल बनाने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे खड़ी है प्राइस, अगर इसको ब्रेकआउट कर देती है तो फिर पुल बैक का वेट करेंगे, ये पुल बैक पे जैसे होती है फिर हमारा पहला स्विंग तैयार होगा और हम यहाँ से अपनी ट्रेड को सेल कर सकते हैं। 1.3635 का एरिया है, ऊपर वाला हमारा एक अच्छा एरिया है। डेक्सी की बात कर लेते हैं, डेक्सी जो है वो भी आप देख रहे हैं इसका जो डिफेंसिव एरिया है 104.219, इससे ऊपर आप देख रहे हैं कि डबल ट्रिपल टॉप मार्केट लगा चुकी है, जैसे इसको ब्रेक करती है तो फिर हम प्रॉपर इसको सेल करेंगे और जबरदस्त किस्म की सेल होगी, यहाँ से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। नेक्स्ट पेयर हमारे पास जी क्रॉस पेयर है पाउंड वर्सेस JPY, ये भी ओवरऑल देखे थे कि थोड़ा सा बहुत क्लियर मार्केट नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको लगाएं तो ये हमारे पास इस एरिया को क्रॉस करके नीचे आ चुकी है और यहाँ से अगर अच्छा सेटअप मिलता है तो हम सेल कर सकते हैं। ये एरिया के नीचे 184.825 का एरिया
और इससे नीचे हम सेल कर सकते हैं और यहाँ तक हमें सेल मिल सकती है। तो ये तो फ्रेंड हमारे थे सारे जो सेटअप हैं, मजीद बन रहे हैं या जो मार्केट में, मार्केट जैसे ओपन होती है उसके बाद एशियन है मार्केट है, फिर यूरोपियन मार्केट है, फिर न्यूयॉर्क सेशन है। तो कहीं भी तीनों मार्केट में जो भी एरिए दो सेटअप मैंने आपको दिए हैं, अगर वहाँ से आपको ट्रेड मिलती है जिस तरह जो येस्टरडे में आपको जबरदस्त किस्म के 100% वहाँ से वैसे ही मार्केट ने बुक किया ट्रेड मिलती है, तो आप किसी भी एक पेयर को भी जो आपको पसंद है आप पकड़ लेते हैं तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इसको इतनी अच्छी ये जो माशाल्लाह सेटअप आपको मिल रहे होते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, लाइक किया करें, अच्छे कमेंट्स किया करें। एक ज्यादा टाइम नहीं लगता, हौसला अफजाई होती, हम दोस्तों के लिए फ्री बिल्कुल सारी सोशल लेके आते हैं, तो आपको इतना काइंडली थोड़ा सा करना चाहिए। और साथ साथ अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो अकाउंट जरूर बना लें, क्योंकि हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है आप दोस्तों के लिए, ताकि आपको ट्रेडिंग मजीद अच्छी भी हो सके, आप सीख भी सकें और आप भी ऐसे कमा भी सकें। तो आज की जो न्यूज है फ्रेंड, उसके मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। 7 सितंबर है, सुबह 6:30 बजे आप देख रहे हैं स्टेडिया का एक मीडियम इंपैक्ट आता है, 8:00 10 मिनट में भी एक ऑस्ट्रेलिया का मीडियम पैक कराता है, 12 बजे आप देख रहे हैं दिन के टाइम CHF की मीडियम पैक की न्यूज है, 5:30 बजे शाम को US डॉलर की अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, 7 बजे एक कैट का और एक US डॉलर का डाटा है, और 10:55 पे रात को कैट की का इंपैक्ट की न्यूज है। तो फ्रेंड ये हमारे पास न्यूज थी, बहुत खास को अहम न्यूज रही, 5:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, बस इसके अलावा कोई खास न्यूज नहीं है। तो होप सो कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे, आज का दिन भी आपका अच्छा रहेगा, आप यहाँ से अच्छा कमाएंगे और इंशाल्लाह इसी तरह कमाते रहे, आगे बढ़ते रहे, अपने ड्रीम पूरे करते रहे और अपने जो गोल अचीव करते रहे, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।